लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन शकील अहमद के खिलाफ नगर पंचायत के सभासद एवं पूर्व चेयरमैन ने मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी हंसराज यादव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभासदों ने वर्तमान चेयरमैन शकील अहमद पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, साथ ही नगर पालिका की जमीन को औने पौने दामों पर भूमाफियाओं को काबिज कराने का आरोप लगाया। चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोना, और जब से वो आया है बहाली का लेटर लेकर, तब से जो है बंजर भूमि को जो है करोड़ों करोड़ रुपया लेकर जो है एक दूसरे को कब्जा करा रहा है। सब्बू शकील अंसारी, देखिए प्रकरण नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना का है जी। नगर पंचायत अध्यक्ष शकील अंसारी द्वारा लगातार नगर पंचायत में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में लगभग डेढ़ वर्ष पहले इस नगर पंचायत के सम्मानित सदस्यों द्वारा नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराया था। अनेकों बार प्रार्थना पत्र देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो हम सब आज इस ज्ञापन देकर के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देकर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं, यह मांग करते हैं कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचारियों के लिए आप निश्चित तौर से इस प्रदेश में कहर बनकर के टूट रहे हैं। हम सबको यह विश्वास है कि निश्चित तौर से इस भ्रष्टाचारी पर भी आप कार्रवाई करेंगे। शकील अंसारी को जहां जेल में होना चाहिए था, आज वह पुनः कार्यालय में बैठ कर करके लगातार 14वां वित्त आयोग के धनराशि को, 15वें वित्त आयोग के धनराशि को तो लूट ही रहा है, साथ में जो नगर पंचायत की सरकारी जमीनें हैं उसको कब्जा करा करके धन उगाही कर रहा है। इस नाते मैं यह मांग करता हूं प्रमुख सचिव महोदय से, ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई करें। धन्यवाद।